आज हम गेहूं, बाजरा और ज्वार का छिलका किस तरह से निकालना है ये बताएंगे। हमारे यहाँ पे इसे कहते हैं छड़ेला, गेहूं, ज्वार और बाजरी। आपके यहाँ पे इसे क्या कहते हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करेंगे गेहूं, बाजरा और ज्वार का छिलका निकालना। पहले हम गेहूं को पानी डाल के धो लेंगे। तुरंत ही इसका पानी हमें निकाल लेना है, एक छन्नी में डाल के। इस तरह से छन्नी में डाल के सारा पानी निकाल लेना है। इसे हम एक साफ नैपकिन के ऊपर डाल के पोंछ लेते हैं। इस तरह से इसका पानी सुखा लेंगे। गेहूं को नैपकिन में डाल के अच्छे से पोंछ लिया है। अभी हम इसे मिक्सर जार में डाल देते हैं। गेहूं को मैंने मिक्सर जार में डाल दिया है। मैंने यहाँ पे आधा कप गेहूं लिया था। मिक्सर को हमें रुक रुक के चलाना है, एक साथ में चलाना नहीं है। इस तरह से आप देख सकते हैं गेहूं का छिलका निकल रहा है। 3 बार मैंने इसे रुक रुक के घुमाया है, एक दो बार वापस घुमाएंगे। अभी हम इसका छिलका निकाल लेंगे। मैंने एक थाली ले ली है, इसके अंदर ये गेहूं डाल देंगे। इस तरह से इसको उछाल के छिलका निकालेंगे। आप देख सकते हैं गेहूं का छिलका जो है वो निकल रहा है। इसके ऊपर थोड़ी फूंक मारेंगे तो भी छिलका उड़ जाएगा। हाथों से इस तरह से थोड़ा मस लेंगे। ये सब निकाल लेना है। इस तरह से मैं गेहूं का सारा छिलका निकाल लेती हूँ। गेहूं का हमने सारा छिलका निकाल लिया है। इस प्रोसेस को हम छड़ना बोलते हैं। छड़े हुए गेहूं इस तरह से इसे कहते हैं। इसी तरह से मैं ज्वार का भी छिलका निकाल लूंगी और बाजरे का छिलका भी हम इसी तरह से निकाल लेते हैं। गेहूं का छिलका हमने निकाल लिया है, उसी तरह से मैंने जवारी का भी छिलका निकाल लिया और बाजरे का छिलका भी इसी तरह से मैंने निकाला है। तीनों का मैंने छिलका निकाल लिया है। जवार, गेहूं और बाजरे का छिलका निकाल के इस तरह से इसे स्टोर करना है। तो छिलका निकालने के बाद इसे धूप में आधे घंटे के लिए सुखा दे, क्योंकि इसके अंदर हमने पानी डाला था तो ये थोड़ा सा मॉइस्चर वाला है तो इसे सुखाना जरूरी है। अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो आधे घंटे के लिए इसे धूप में सुखा दीजिए और फिर एयर टाइट कंटेनर में आप स्टोर करके रख सकते हैं। गेहूं, बाजरे और ज्वार का छिलका निकालने का ये तरीका आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये तरीका कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ में।